हेलो दोस्तों, और कैसे आप सब लोग? आप लोग के आर्टिकल के बारे में पता चल ही गया होगा। जिस तरह से लोकमत जो न्यूज़ ने आर्टिकल पब्लिश करा था, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये फेक आर्टिकल है, और उसमें आर्टिकल में बताया गया है कि जेई और नीट जो है वो पोस्टपोन करी जा सकती है। एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से ये आदेश आ चुका है कि जेई और जो नीट है उसे पोस्टपोन करा जाएगा और नई डेट्स अनाउंस कर दी जाएगी अगर कोरोना की क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो इस आर्टिकल पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे कि सर ये फेक है, और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए कि सर आप फेक न्यूज़ मत फैलाइए। तो यार एक बार इसको अपन वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि कैसे अपन वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। तो मुझे पता चला कि एक वेबसाइट है जिस पर हम जाके चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को कि रियल है कि फेक है। तो ये वेबसाइट जो है ये है हुईस लुकअप। इस पर आप अगर कोई भी यूआरएल डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यूआरएल कब बना हुआ है, वेबसाइट कब बनी हुई है। तो इस पर जब मैंने ये आर्टिकल का जो लिंक है वो उसको पेस्ट करा इस पर, तो कुछ मुझे इस तरह का जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, और इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो आर्टिकल है ये बना हुआ है 932 डेज़ ओल्ड, ये जो मतलब वेबसाइट बनी हुई है, और जो है 2 साल से 3 साल ये बनी हुई है। क्रिएटेड आप देख सकते हैं 2017 दिखा रहा है, तो 2017 से वेबसाइट चल रही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो वेबसाइट है इस पर अगर आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सोशल लिंक्स मिलती है। अब ये जो सोशल लिंक्स होती है फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर की जो लिंक्स होती है, ये फेक वेबसाइट पे नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई भी फेक वेबसाइट होगी तो बिल्कुल वहाँ पर सोशल लिंक्स आपको देखने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सोशल लिंक्स भी है, और दूसरी बात है कि अगर आप इनके कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको इनका फ़ोन नंबर भी मिल जाता है, जैसे कि मैं आपको जाके बताता हूँ अभी। तो आप जब इनके कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाएंगे तो आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाता है वहाँ पर। अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा इनका एड्रेस वगैरह कि ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई में इनका जो है सेटअप है इनका पूरा, और किस तरह से आप इनको रीच कर सकते हैं, मैप पे इनका लोकेशन भी है। तो ये बिल्कुल फेक वेबसाइट तो नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता कि आर्टिकल फेक है या नहीं। हो सकता है कि आर्टिकल ज़रूर फेक हो सकता है, किसी रिपोर्टर ने ऐसे ही जो है आर्टिकल डाल दिया हो, पर ये जो फेक वेबसाइट तो फेक नहीं है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फेक आप वीडियोज़ मत बनाइए। तो देखिए ये जो ये मैंने वीडियो बनाया था आपको लोकमत न्यूज़ पे, ये काफ़ी सारे मुझे अपने सब्सक्राइबर्स ने ही भेजा था, और फिर उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया था। काफ़ी सारे लोग मुझे स्पैम कर रहे थे कि सर ये न्यूज़ आ गई है और आप लोग बोल रहे हो कि नीट रिस्पॉन्ड नहीं होगा, तो सर ये न्यूज़ जो आई है ये फेक है क्या? तो फिर इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया था। पर मैंने आपको अभी प्रूफ भी दिखा दिया है कि किस तरह से जो आर्टिकल है और जो ये न्यूज़ है ये 2 साल 3 साल पुरानी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं आपको हमारे एक नीट शास्त्र चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और इस चैनल पे आपको अगर आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्रैश कोर्स है वो पूरे मिल जाएंगे, पूरे लेक्चर्स इस पर डले हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ये जो चैनल है नीट शास्त्र। आप जाके चेकआउट करिएगा, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। और अगर आप इनके चैनल पर जाएंगे तो आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स है, जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं नीट में, जितने भी एचआरडी मिनिस्टर की जो न्यूज़ आ रही है वो सारी आपको इनके चैनल पे मिलती है। तो डू चेक आउट दिस चैनल इन द कमेंट बॉक्स एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव गिवन द लिंक्स। थैंक यू वेरी मच।